बॉबी देओल की पत्नी ने करीना कपूर को सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया था। इसके पीछे की वजह थी करीना कपूर का बड़बोलापन। दरअसल 2000 के दशक में करीना एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो बदला लेने और गॉसिप्स के बीच अपनी जिंदगी जी रही थी। उस दौर में झगड़े, कैट फाइट्स, गालियां, शेमिंग, कॉल आउट और यहां तक कि थप्पड़ जैसी घटनाओं का करीना कपूर से वास्ता पड़ रहा था। करीना के झगड़ों पर एक पूरी फिल्म बन सकती है। उस दौर में करीना की कैट फाइट्स काफी मशहूर थी। उनके बड़बोले अंदाज की वजह से हर वक्त उनका झगड़ा किसी ना किसी के साथ होता रहता था। रिफ्यूजी से अपने डेब्यू के बाद करीना अपने पूरे रंग में आ चुकी थी। उन दिनों करीना अजनबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इसमें उनके साथ विपाशा बसु, बॉबी देओल और अक्षय कुमार भी थे। उन दिनों विपाशा ने इंडस्ट्री में शुरुआत ही की थी और वो एक न्यू कमर थी। उन्हें इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था, जिस वजह से बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म अजनबी के लिए विपाशा के कपड़े पसंद करने में मदद की। तान्या की ये बात करीना की मां बबीता को बिल्कुल रास नहीं आई और उन्होंने तान्या को फैशन पर स्कूलिंग दे दी। तान्या को समझ नहीं आया कि बबीता इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो रही है। फिर क्या था, तान्या ने भी करीना की मां को अच्छे से सुना दिया। बहस बढ़ती चली गई और फिर गुस्से में तान्या ने करीना को थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ कांड पूरी इंडस्ट्री का हॉट मुद्दा बनता चला गया। दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोला गया, लेकिन थप्पड़ को लेकर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। हालांकि इस थप्पड़ मारने की सच्चाई आज तक खुलकर सामने नहीं आ सकी, लेकिन करीना ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में सब कुछ कह दिया था। करीना ने उस इंटरव्यू में कहा था कि बॉबी देओल की पत्नी तान्या को उनसे कुछ दिक्कतें थीं। करीना ने कहा था कि उसने मेरी मां बबीता के साथ गलत तरह से बर्ताव किया था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। करीना ने आगे कहा था कि बॉबी के साथ काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि बॉबी की पत्नी को मुझसे दिक्कत होती है। इसके बाद भी करीना कपूर के अंदर बदले की आग खत्म नहीं हुई थी। फिल्म जब भी मेट में डायरेक्टर इम्तियाज अली बॉबी देओल को साइन करना चाहते थे, लेकिन करीना ने उन्हें रिप्लेस करवा दिया। अजनबी के बाद बॉबी और करीना ने कभी एक साथ काम नहीं किया, ना ही दोनों का एक दूसरे से कभी मिलना जुलना हुआ। वेल, इस थप्पड़ कांड के बारे में आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।